तो यार एपेक्स लेजेंड मोबाइल निंटेंडो स्विच पर 10 मार्च अभी अवेलेबल होने वाला है। ऑल्सो यार हमको पता चला है कि मोबाइल वर्जन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऑल्सो जुलाई से सितंबर के बीच हमको एक बीटा वर्जन देखने को मिल सकता है एपेक्स लेजेंड मोबाइल का। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है, कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। ऑल्सो ये बताया गया है कि यार एपेक्स लेजेंड जो है अगले साल मार्च तक गारंटेड आ ही जाएगा। डेढ़ साल से डिले चल रहा है, कुछ कोविड की वजह से भी ये गेम डिले हो गया था। अगर आपको नहीं पता तो इसको बना रही पर EA स्पोर्ट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट गेमिंग कंपनी या दुखी गए क्या बताएं। पबजी मोबाइल को टेंसेंट ने बनाया था, आप देख सकते हो कैसा गेम है। उसके पूरे जो अपने फीचर्स हैं ग्राफिक्स हैं वो भाई रियलिस्टिक बेस पर हैं, पर ये गेम भाई आप कह सकते हो पूरा रोबोटिक्स पर बेस्ड है, रोबोटिक मैकेनिज्म में है। और भाई ये बहुत ज़्यादा फास्ट गेम होने वाला है, पबजी मोबाइल से 5 गुना फास्ट गेम होने वाला है। ऑल्सो यार इसको जो डेवलप कर रही है मैंने बता चुका हूँ वो कर रही है टेंसेंट। तो यार दो खतरे की बात जो यहाँ पर आती है कि भाई चाइना के चक्कर में भाई बहुत सारी ऐप बैन हो चुकी हैं, पबजी मोबाइल भी बैन पड़ा हुआ है इंडिया में, और अब टेंसेंट को यही कर रही है। तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि इस गेम के लॉन्च होते ही इंडिया में इसको गवर्नमेंट बैन कर दे, बिकॉज एपेक्स लेजेंड मोबाइल विल बी डेवलप बाय टेंसेंट गेम्स। द गेम कुड पोटेंशियली नॉट रिलीज इन इंडिया ड्यू टू द इंडियन गवर्नमेंट स्टांस अगेंस्ट चाइनीज ऐप्स। तो यार ये दिक्कत काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। इफ दिस इन डीड द केस इट विल बी अ ह्यूज ब्लो टू ईगर फैंस होपिंग फॉर EA। मतलब जो भी मतलब कहने वाले हो आप कि एपेक्स लेजेंड मोबाइल डीले होने वाला है अगले साल मार्च 22 तक, ये कन्फर्म ही हो गया था। अगर कोविड नहीं होता तो शायद इस साल 22 मार्च तक हमें देखने को मिल जाता, बट थोड़ा डीले हो गया है। ऑल्सो यार ऐसा भी हो सकता है कि अब थोड़ी बॉर्डर पे दोनों ही थोड़ी सी अब मतलब बातचीत चल रही है, अब थोड़ा सा झगड़ा सुलझ रहा है, तो हो सकता है यार कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े एपेक्स लेजेंड पर और एक नया गेम यहाँ पर लॉन्च हमको देखने को मिले। यार बहुत तगड़ा गेम होने वाला है। आप अगर ये सोच रहे हो ना कि यार पबजी की बराबरी करें, नहीं भाई उससे बहुत ज़्यादा आगे गेम है ये। अगर आपको पबजी लग रहा है और आप खाली उसी गेम के पीछे पड़े रहोगे ना, तो सही बता दूँ पबजी मोबाइल इस समय अगर लॉन्च नहीं होता है तो पबजी मोबाइल इंडिया में डेड होने वाला है। और पबजी मोबाइल अगर इंडिया में डेड हो गया तो ऑफिशियल सर्वर एशिया के जो है उस पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड आप देखो ना भले ही वो अभी सबसे ज़्यादा कमाने वाला गेम है, बट उसकी कहीं ना कहीं ग्रोथ डाउन जाने लग गई है अब, क्योंकि यार अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अगर आप इस गेम की बात करें पूरा अलग गेम है, उससे बहुत ज़्यादा फास्ट गेम है, ई स्पोर्ट्स सीन भी खतरनाक होने वाले हैं, EA इसको बना रहा है, तो आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे प्राइस पूल इस गेम में होने वाले हैं। ये गेम अगले साल फिर से बताता हूँ मार्च में लॉन्च होने के लिए मतलब रेडी है, अगले साल तक तो हो ही जाएगा मार्च तक। हमें जुलाई से सितंबर के बीच इसका बीटा वर्जन मिल जाएगा जो कि मैं स्ट्रीम करूँगा। अभी यार स्ट्रीम वगैरह नहीं हो रही है क्योंकि मेरा डिवाइस कुछ भी झेल नहीं पा रहा है, पबजी भाई झेल ही नहीं पा रहा है भाई समझ लो, क्योंकि आपको पता है 1.5-2 साल से एक ही मोबाइल से स्ट्रीम कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं अगर आप कोई भी मोबाइल ले रहे हो तो यार ये सोच के लेना कि इस साल 5 लगातार मोबाइल गेम्स जो ना लाइन में लगे हुए लॉन्च होने के लिए, जो कि पहला है हमारा वाइल्ड ड्रिफ्ट जो मार्च में आने वाला है, मार्च में शायद इसी मार्च को वाइल्ड ड्रिफ्ट लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, सर्वर्स भी यहाँ पर लॉन्च हो जाएंगे, उसके बाद एपेक्स लेजेंड मोबाइल है, वॉरजोन भी लॉन्च होने वाला है, वैलोरेंट मोबाइल भी लॉन्च होने वाला है, और हमें कुछ और देखने को मिला तो एक और गेम भी हमको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है यार। ऑल्सो यार इंडियन गेम्स भी आ रहे हैं, अब आपको पसंद आए ना आए, हमको आए ना आए उससे क्या फर्क पड़ता है, बट हाँ यार एपेक्स लेजेंड मोबाइल काफ़ी ज़्यादा तबाही गेम होने वाला है। ऑल्सो आपके पास मौका होगा कि यार पहले ऐसे मतलब प्लेयर बन जाओ इस गेम में, जो भाई इस गेम को मास्टर कर लेगा ना, इसके पे वीडियोस वगैरह बनाएगा, इसको मतलब कंटेंट क्रिएट करेगा बढ़िया बढ़िया, और जो इसमें मास्टर कर लेगा भाई उसको बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। जैसे पबजी के पुराने प्लेयर जो हैं आप देख सकते हैं उनका अभी वो कहाँ पर है। तो अगर आप एपेक्स लेजेंड को इस तरह से लेके चलोगे तो यार टूर्नामेंट से लेके किसी में भी भाई आप आग लगा सकते हो। 3 प्लेयर तो आपको चाहिए यार इसमें बस, जहाँ तक मुझे बताया यार, और 3 प्लेयर इसमें भाई आग लगा सकते हैं एपेक्स लेजेंड में, बहुत फास्ट गेम है। बट अगर आप इसमें देखो जायरो वायरो तो आना नॉर्मल सी बात है, बहुत बड़ा गेम हो रहा है। पबजी को लॉन्च होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, PC वर्जन से फेमस नहीं हुआ था इंडिया में, याद रखना पबजी PC इतना फेमस नहीं था, पबजी मोबाइल ने फेमस किया है उसको इंडिया में पबजी को जो है। ऑल्सो ऐसा ही एपेक्स लेजेंड होने वाला है, एपेक्स लेजेंड PC जो है इतना ज़्यादा फेमस नहीं है इंडिया में, बट जो एपेक्स लेजेंड मोबाइल होने वाला है ये बहुत ज़्यादा तबाही करने वाला है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हो इस टाइम ना पूरी मार्केट डाउन जा चुकी है। ऑल्सो जो कह रहे हैं स्पोर्ट्स सिनेरियो इंडिया में बन रहा है ना वो सिर्फ PC के लिए बन रहा है, ऐसा समझ सकते हो आप, मोबाइल गेम्स इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल पर हैं आप कह सकते हो। तो अगर ये भाई ये गेम भी अगर यहाँ पर बैन होता है ना, तो यार समझ लो कि अगर मोबाइल जो गेमिंग कम्युनिटी थी उसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। ऑल्सो यार मोबाइल गेम्स को इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, आप देख सकते हो लोग छोड़ के ऑलरेडी जाने लग गए हैं। पबजी मोबाइल आप कब तक खेलोगे आप भी सोच सकते हो, जब तक यार आप किसी अपने फेमस यूट्यूबर को खेलता ना देखो, टूर्नामेंट ना हो उसमें और काफ़ी सारी चीज़ें ना हो, तो यार आप क्या ही खेलोगे और क्या ही मज़ा आएगा, कितने टाइम तक आप मज़े कर सकते हो। और अगर आपके पास दोस्त नहीं है मतलब आधे लोग अगर खुद ही चले जाएंगे तो आप किसके साथ खेलोगे। तो सर्वर पर भी इफेक्ट पड़ने वाला है पबजी के, तो
ऐसे में कुछ नया आना है और ऑलरेडी ये तो सच है भाई, जो भी गेम आया कभी ना कभी डेड होता है। तो देखते हैं आपका इसके बारे में क्या कहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय।